इंडसइंड बैंक के बारे में। नितेश सिंह पूछ रहे हैं पटना से कि उनके पास इंडसइंड बैंक के 441 शेयर हैं, 1247 रुपए के भाव पर लिया है, फरवरी 2020 से रखा हुआ है इन्होंने, मतलब कोविड से पहले से इनके पास पड़ा हुआ है। इंतजार कर सकते हैं मध्यम से लंबी अवधि का, इनका एक टाइम होराइजन है, उस हिसाब से क्या सलाह देंगे इनको आप? ओके निवेश जी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो मेरा बैंक्स पे तो वैसे भी पॉजिटिव नजर। तो अब क्या होगा, बैंक्स में देखिए टॉप रंग बैंक्स में आपकी जगह प्राइवेट बैंक्स में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी, बहुत चाल आ चुकी है। तो आपको सेकेंड रंग प्राइवेट बैंक दिखेंगे चलते हुए, उसमें इंडसइंड बैंक का नाम आ जाएगा। दूसरा आपको चलते हुए दिखेगा टॉप पीएसयू बैंक। तो इन सब जगह में धीरे धीरे रन आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हो सकता है थोड़ा करेक्शन कूल ऑफ मार्केट के हिसाब से हो और फिर चले। अब आपने इन्वेस्टमेंट हिसाब से रखा है तो आप देख लीजिए कहाँ आपका स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका कॉस्ट तो मिलेगा। अब आज मिले, कल मिले, एक क्वार्टर के बाद मिले, मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्ट लाइकली आपको उसका उतना तो मिल जाना चाहिए। ये है कि 1025 के नीचे में इसमें फिर से करेक्शन चालू हो जाएगा। तो ये आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना कि क्या आप 1025 के नीचे भी होल्ड करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है थोड़ा लंबा समय होल्ड करना पड़े। और नहीं, अगर 1025 के नीचे क्लोज नहीं मिलता है तो फिर ये धीरे धीरे ऊपर चलेगा और आपको 1240-50 का रेंज एक बार दे देगा, जहां पे एक बार ही बुक कर लीजिए और फ्रेश डिसीजन फिर लीजिए, वहां से 5-10% कूल ऑफ होगा। जी, तो कुल मिलाकर के सकारात्मक राय है इसके बारे में, लेकिन जिन स्तरों का ध्यान रखने की बात की गई है उन पर ज़रूर नज़र रखें और उसके हिसाब से अपना निर्णय लें।